देखिए एक बार बता दें, थोड़ा पीछे ये जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनको फिर मैं चुनौती दूँ कि वो एक जमीन निकाल ले जिसको मैंने लिखवाया है या मैंने पैसा दिया। आप जरा मुझे बता दीजिए, इस देश में राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट किया करता था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर पैसे हैं तो ज़मीन खरीद सकते हैं, कृषि की ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनाने की ज़मीन खरीद सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप बताइए, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के लगाए हैं श्रीमान जी लोग, बताइए जो लिस्ट भेज दिया है उन लोगों ने, लिस्ट बनाया कौन है जी? जो दो लोगों के सिग्नेचर हैं हमारे साथ ही आपको बता देंगे, दो लोग हैं, चलिए उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन बताइए, पिछले सवा साल से मैं जिस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हूँ आप सब देख रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की इंतहा हो वह तो मर्यादा में, आपने टिकट काट दिया कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया कोई बात नहीं, रोज कुछ ना कुछ करते कोई बात नहीं, अब मैं नहीं तो मेरे परिवार पर आप आ गए। जरा बताइए साहब, मेरी बेटियों को घसीट रहे हैं, मेरी पत्नी को घसीट रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? मैं तो चुनौती दे गया हूँ ना इन लोगों को कि भाई 2010 के पहले तो मैं सरकारी सेवा में था, सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास होगा, 2010 के बाद मैं MP हूँ, सारा अकाउंट तुम्हारा है ही, देख लें, मैंने कभी अपने अकाउंट से अपने किसी बच्ची का नाम पैसा दिया हूँ, कोई ज़मीन खरीदा हूँ? अब मेरी बेटियाँ हैं, आपको मैं बता दूँ, मैं पिताजी का अकेला बेटा, हमारे पिताजी शिक्षक थे, सरकारी सेवा में थे, वर्षों तक रहे, उन्होंने मेरे सामने ही अपनी सारी संपत्ति अपनी पोतियों को नाम कर दी। अब बताइए, 2010 से मेरी दोनों बेटियाँ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करती, और जिसका ही ब्यौरा दे रहे हैं श्रीमान जी लोग, आप जरा देख लीजिए, सब इनकम टैक्स रिटर्न में मेरी बेटियों ने दिखा रखा है। हमारी जो बड़ी वाली बेटी है उसका तो अपना सेवा में है, उसने अपने पूरा का पूरा दिखा रखा है, तो छिपाया क्या चीज है भाई? बताइए, आज आप कोई संपत्ति, आपके पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं ना उसको, अब इन्वेस्ट कहाँ किया? देखिए अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है, यहाँ से 2 किलोमीटर जाइएगा वहाँ कैसे मिलता था जमीन जी, 900 रुपये कट्ठा। मैं जिसमें बता रहा हूँ, जो दिखा रहे हैं कि आप जरा देखते चलिए उसको, आप ये बता दीजिए कि सारा पेमेंट है उन लोगों के, हमने तो क्या ही नहीं है। अब आप लगा रहे एक आदमी को खोज ले लो, मैंने तो बार बार चुनौती दिया हूँ, एक आदमी को खोज ले जो ये बता दे यार CP सिंह को हमने पैसा दिया इस काम के, और जमीन लिखवाना तो छोड़ दिए जी। लेकिन जो उसमें आरोप लगाए हैं, आपको मिला होगा वो चिट्ठी? अभी मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन आप जरा सोचिए, दुर्भाग्य, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी, हाँ, और क्या था, आप जरा सोचिए, ब्लॉक लेवल का वो बेचारा जानता भी नहीं हो क्या है वो, उसको आप हमसे ना पूछना चाहिए था। देखिए न्याय क्या कहता है जी, नेचुरल जस्टिस क्या कहता है, बड़ा बढ़िया इन्होंने किया है। तो जितने लोग हैं पार्टी में सुन ले बढ़िया से, बढ़िया तो उनके क्षेत्र से 2 लोग लिख देगा, उसके बाद सीधे सीधे मीडिया को बुला करके जारी कर दिया जाएगा। जो लोग लिखा है ना पूछ लीजिएगा, और 2-4 लिखने नहीं आता, लेकिन जिसने भी देखिए साजिश करते हैं, तो साजिश करके मुझे क्या करें? मैं देखिए एक बात मैं बता दूँ, जो लोग CC के घर में रहते हैं ना वो तो पत्थर ना फेंकते, और मैं बता रहा हूँ मैंने सारी मर्यादा को निर्वहन किया, और आज मैं बड़ा ही, मैं बताऊँ, बहुत दुखी हूँ। मुझे लगा कि मैंने बरसों से मैं इन लोगों को साथ रहा हूँ, 2005 से 2010 किया था बिहार में जी, इतने साल से मैं अब था रेलवे में भी था, कोई मिला है एक आदमी जो बता दे? कई बार तो आरोप लगाए थे, आपको याद है मैंने चुनौती दिया था उसमें, आज भी मैं दे रहा हूँ, वो लोग चले जा रहे हैं। आखिर ये साजिश क्यों हो रही है? साजिश मैंने बताया ना, 7.5 साल से एक बार मैं मंत्री बन गया। देखिए ईर्ष्या और डाह और जलन का प्रकाश जी इस पृथ्वी पर कोई इलाज नहीं है, और बढ़िया चुनौती दिए हैं उन्होंने। देखिए मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ, और मैं बता दूँ मैं तो बहुत इस पर सोच रहा था, जिस पार्टी के लिए मैंने हमारे सारे कार्यकर्ता आज बूथ पर है, सब जगह है जी, रोज हमसे पूछता सर आप कितनी रुपये, मैं सब देख रहा था, इसने भड़के का है के लिए लोग,
अभी मैं गया था उस दिन, हमारे अरुण सैनी का बेचारे का था, रघुई इलाके से मैं गया, क्या माहौल था, परेशान था लोग। अब देखिए बता रहा हूँ आपको, अब उसमें नारा लगा दिया कि मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसी बिजन कैसा हो, भाई नारा लगाने में किसी को रोक है क्या? लेकिन आपको बर्दाश्त ही कुछ नहीं होता, लेकिन आप स्तर इतना निम्न हो गया जी, इतना निम्न स्तर हुआ कि आप बताइए ना, आप हमको भेज रहे हो, बताओ ना उसमें कि मेरे नाम की कोई प्रॉपर्टी है उसमें, आपकी पत्नी गिरिजा सिंह का नाम जो है, स्पेलिंग मिस्टेक। अरे अच्छा सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए सुनिए, एफिडेविट की बात बोला इलेक्शन कमीशन वाला, हाँ हाँ बड़ा बढ़िया है, ये लोग कुछ भगवान ने अकल दिया होगा तब ना। आपको मैंने क्या कहा कि 2010 से हमारी बेटियां रिटर्न फाइल करती हैं, ये लोगों ने जब हमने उसमें क्या होता डिपेंडेंट, तो हमने अपना पत्नी का दिया है, उसमें है ही नहीं, हम हमारे पास ना पत्नी के नाम पर, डिपेंडेंट दोनों उनका जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है और दोनों रिटर्न फाइल करती है, हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है। अब बताइए अभी लोग तो अपना जितना सबका परिवार है सबका लोग का दे हिसाब किताब, भाई वो तो अब हमारे पर डिपेंडेंट ही नहीं है ना, वो तो खुद इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक आरोप लगा कि आपकी पत्नी का नाम जो गिरिजा सिंह है उसको स्पेलिंग मिस्टेक, अच्छा पता है हमको, हमको हमको क्या मतलब है, हम उसमें रहते हैं कौन कहाँ क्या लिखा क्या, हमको बताए ना आपको कि कहीं हम गए हों बता दे, कहीं हम रहे हों बता दे, हम लोग बताया ना आपको। अब देखिए समस्या क्या, आप जैसे यहीं पर बैठे हुए तालाब है नहीं, आप बता देते हैं इसमें चार लोगों का जमीन है, एक हमारा तीन हमारे गुतिया का, हमने सब एक्सचेंज किया, एक्सचेंज किया तो क्या होगा रजिस्ट्री होगा, ये सामने बगीचा है देख रहे हैं सात कट्ठा, ये भी हमने एक्सचेंज किया तो ये भी होगा, सामने देख रहे हैं ये भी एक्सचेंज हुआ है, मतलब आप ही की सरकार का बनाया हुआ है, नहीं हम नहीं पूरे सब सब करना, ये साहब तो जोड़ लीजिए कितना प्लॉट नहीं हो गया। अब आप बताइए जरा, आप अच्छा आप जरा सोचिए, हमने बताया ना आपको कि क्या आप खोज रहे हो जी, किसके नाम से है वो, और वो कुछ छिपा रखी है क्या? अच्छा आप लोग अब क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रखे हो पार्टी में, और पहला चीज होता है कि अगर आपके उसमें आए तो पूछना चाहिए था हमको, आज इधर नोटिस भी भेजा क्या लिखा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने में शर्म लग रहा है, लेकिन जिन्होंने भेजा है नोटिस वो तो आप ही ने बनाया था। अरे चलिए नहीं लोग बड़े महान लोग हैं, बहुत महान लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, और ये मत बता देता हूँ आज भी मैं बोल रहा हूँ, देखिए दम है ना, बता दे